हाय गाइस, राधे राधे सभी को। वेलकम और वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड ग्रेट गाइस। तो आज मैं आप लोगों से कुछ शेयर करूँगी, बट मुझे कुछ अच्छा सा फील नहीं हो रहा है। आई वॉज फीलिंग वेरी लो दीज डेज, आई डोंट नो वाई, बिकॉज होता है, सबकी लाइफ में ऐसा होता है कि कभी ना कभी कुछ डेज ऐसे होते हैं जो बहुत लो फील कराते हैं आपको। कुछ करने का मन नहीं करता, ज़्यादा किसी से बात करने का मन नहीं करता। ऑल्सो इट्स जस्ट लाइक कि बस एक अकेले बैठे रहो, और बस ऐसा होता है समटाइम्स, ऐसा होता है जब हमें खुद के लिए टाइम चाहिए होता है। बस लाइफ में ना इतनी सारी चीज़ें चल रही होती हैं, तो फिर लगता है कि मतलब बस हो जाता है, बहुत लो हो जाता है, तो फिर आपका किसी चीज़ में माइंड नहीं लगता है, कुछ भी नहीं होता है। देन हमें क्या करना चाहिए? आई हैव अ सोल्यूशन फॉर दैट, क्योंकि आज सुबह से मेरे साथ यही हो रहा था। आई वॉज फीलिंग सुपर लो, मतलब इतना ज़्यादा लाइक किसी चीज़ में दिमाग नहीं लगना, लाइक कुछ भी नहीं। इट्स जस्ट लाइक कि सब कुछ ऐसा लग रहा था कि कुछ है ही नहीं, सब ब्लैंक है। अभी जस्ट एक दिन पहले मैं आपको व्लॉग में बता रही थी सारी चीज़ें, दैट आई वॉज सुपर हैप्पी। सो आई फील दैट येस, नज़र इज़ एक्चुअली रियल। वेन एवर आई ट्राई टू ग्रो माई सेल्फ, आई सडनली बिकम डम, मतलब मैं एकदम से, मैं बहुत ट्राई करती हूँ ना कि मैं बहुत ऊपर जाती हूँ, फिर एकदम से मेरे को ना डाउन सा हो जाता है खुद से कि कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा ब्रेक ले लो, ब्रेक ले लो। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, कंसिस्टेंसी या फिर कुछ लोगों की वजह से हो जाता है, माइंड थोड़ा स्टक हो जाता है इधर उधर इधर उधर, कुछ ना कुछ हो जाता है। आई डोंट नो व्हाई, बट इट हैपेंस। आई थिंक इट्स ह्यूमन नेचर और समथिंग, बट हो जाता है। मैं बहुत ज़्यादा लो सा फील कर रही थी, तो फिर मैंने सोचा जो मेरे साथ हुआ, आई वॉज जस्ट टेलिंग टू यू गाइस जो मैंने फील करा। मेरी कंसिस्टेंसी जो है वो एकदम से ब्रेक हो जाती है। इट जस्ट गोइंग आउट सो गुड फ्रॉम लास्ट 23 डेज, एंड एकदम से सडन ऐसा हुआ कि ठीक है, लेट्स टेक अ ब्रेक फ्रॉम मेकिंग अ व्लॉग्स और समथिंग। एंड आई वॉज रेगुलरली पोस्टिंग आउट अ व्लॉग्स, बट फिर एकदम से हो गया, पता नहीं क्या, कि नहीं अभी नहीं बनाते, रुक के बनाते हैं। बट देन आई थॉट कि नहीं, आप बनाना चाहिए, बिकॉज इट्स अ चैलेंज और इसको कम्प्लीट करना चाहिए। देन आई थॉट, तो फिर मैंने क्या करा, प्रेमानंद जी की वीडियोस देखना शुरू कर दिया। एंड आफ्टर दैट आई स्टार्टेड फीलिंग गुड, बिकॉज वो एक हीलर हैं। अगर हमारा मूड ऑफ है, हमारे कुछ भी क्वेश्चंस हैं माइंड में चल रहे हैं, फिर कुछ भी एक्स वाई जेड, तो हम उनकी वीडियोस देख लोगे तो थोड़ा अच्छा अच्छा फील होना शुरू हो जाएगा। तो फिर मैंने उसमें जो उनकी जो बात थी, तो उसमें यही था जिस तरीके से कि ज़िंदगी में अप एंड डाउन्स होते रहते हैं, मतलब ऐसा आजकल पता नहीं मेरे साथ हो रहा है, फिर इवन सबके साथ ऐसा हो सकता है, होता होगा। जैसे कि अगर आपका मूड, जो भी करंट मूड है, अगर आपका गुड मूड है तो उस टाइप की रील्स वीडियोस आपके सामने आएंगी, अच्छा मूड है तो उस टाइप की आएंगी, बैड मूड है तो उस टाइप की आपके पास रील्स आएंगी, और कुछ मोटिवेशनल्स भी आती है। तो उसमें से एक वीडियो मेरे पास आई प्रेमानंद जी की, रील स्क्रॉल करते करते, तो उसमें यही था कि गिव अप मत करो। उनके जो वर्डिंग्स एक तरीके से थे कि ये तो नियम है, जो भगवान के सबसे ज़्यादा करीब होता है उसको प्रॉब्लम्स भी कभी कभी वो देते हैं, क्योंकि वो उनके सबसे करीबी स्टूडेंट जो होता है, मतलब सबसे करीबी जो होता है, तो थोड़ा प्रॉब्लम्स देते हैं, करते हैं, लाइफ है, होता है, सब कुछ चलता है, इसी का नाम ज़िंदगी है। तो हर चीज़ को डील करना आपको आना चाहिए, चाहे अप हो चाहे डाउन हो। जैसे मैंने आपसे लास्ट ब्लॉग में बात करी थी कि अभी मेरा जैसे ग्राफ ऊपर जा रहा है, फिर वो नीचे भी जा रहा है, अभी और नीचे जा रहा है, फिर ऊपर जाएगा, तो आई एम रेडी फॉर एवरीथिंग। बट समटाइम्स कभी कभी लाइफ से आप थोड़ा वो हो जाते हो अपसेट कि कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, या फिर कुछ भी काइंड ऑफ मतलब होता है, सबका अपना अपना होता है, तो एकदम से लगता है, तो
फिर मैं जब उनकी वीडियोस देखी ना तो आई फील रियली गुड कि हाँ व्हाई शुड आई स्टॉप मेकिंग व्लॉग्स एंड वीडियोस, आई हैव टू डू बिकॉज ये मेरा पैशन है, ये मेरा वर्क है, मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं ये चीज़ करती हूँ। मतलब किसी की फोर्स में आके तो नहीं करती, ऐसा तो कुछ नहीं है ना, खुशी मिलती है इसलिए करती हूँ। तो डू दैट थिंग जिसमें आपको खुशी मिलती है, वो नहीं जिसमें आपको फोर्सफुली स्टॉप करा जाए या फिर कुछ ऐसा काइंड ऑफ कह सकते हैं। तो ऐसा किसी के साथ, आई मीन ऐसा सिर्फ मेरे साथ ऐसा हो जाता है या फिर आप लोगों के साथ भी हो जाता है, जब आप लोगों का थोड़ा लो टाइम होता है या फिर आप लोग वीक या लो फील करते हो तो आप लोग क्या करते हो, लेट मी नो इन द कॉमेंट्स, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग क्या करते हो। और मैं ये वीडियो इसलिए भी बना रही हूँ, अगर आप लोगों को भी कभी लो फील हो तो राधा रानी का नाम ले लो और प्रेमानंद जी की वीडियोस देख लो, उनके उनकी सारी चीज़ें देख लो, तो जब सुनोगे ना तो थोड़ा अच्छा फील होना शुरू होगा। बस ऐसे ही मेरे साथ हो रहा था, जिस लाइक पूरे टाइम में ऐसे बस बैठी हूँ एंड आई डोंट नो मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। एक तो मैं ना आई एम एक्चुअली अ वेरी वेरी ओवर थिंकर, मतलब मैं हर चीज़ को बहुत ओवर थिंक करती हूँ, हर चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचती हूँ, समझती हूँ कि पता नहीं क्या आज मेरा यूट्यूब ऐसा चल रहा है, कल कैसा चलेगा, तो सारी चीज़ें ना दिमाग में थोड़ी हिट करती हैं, तो वो चीज़ लगती रहती है कि आज लो रहा है तो कल अगर कहीं चला नहीं चला क्या होगा, आज वीडियोस वायरल है कल नहीं होंगी क्या। तो ये सब चीज़ें, जब भी आज मेरा ग्राफ थोड़ा लो जा रहा था तो आई वॉज ऑल्सो फीलिंग लो, तो बट नाउ आई एम फीलिंग गुड बिकॉज मैंने उनकी वीडियोस देख ली, तो मेरा मोटिवेशन फिर से वापस आ चुका है। एंड इट्स गुड कि अपने आप को इनसे जोड़ करके रखो, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हमें कभी लो फील हो तो हम उनकी वीडियोस देख लें तो हमें एक्चुअली में सच में अच्छा फील होता है। दैट्स वाई मैंने आप लोगों को भी बताया था दैट राधा रानी जो है हमें हर चीज़ के लिए प्रिपेयर करती हैं, हर चीज़ के लिए। जैसे एक फ़ौज में बेटा जाता है किसी का तो उनकी ट्रेनिंग होती है ना, तो ट्रेनिंग से पहले वो हर चीज़ के लिए प्रिपेयर रखती हैं, मतलब प्रिपेयर किया जाता है जैसे कि किस तरीके से वहाँ पर रहना है, क्या करना है क्या नहीं करना। तो ऐसे ही हमारी लाइफ भी है, हमें भी हर चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड होकर के रहना है, लाइक हमारी ट्रेनिंग चल रही है, ट्रेनिंग मोड चल रहा है, ताकि आगे जा कर के जो हमारी लाइफ हो बहुत अच्छी हो। तो इसीलिए राधा रानी ने अपने कुछ लोगों को, प्रिय लोगों को हमारे आगे भेज के रखा हुआ है ताकि वो अपनी बातें हम तक पहुंचा सके। जैसे कि प्रेमानंद महाराज जी हैं, उनकी बातें आप सुन के लगेगा ना कि आप साक्षात राधा रानी और कृष्ण जी से जुड़े हुए हो और ऐसे सारी चीज़ें आपके आगे आ रही है, तो सच में बहुत अच्छा फील होगा, जैसे कि अभी मुझे अच्छा फील हो रहा है। बस एक मेरा ये छोटू सा मैसेज था कि इफ़ यू एवर फील लो इन योर लाइफ तो आप लोग करते क्या हो, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताओ। और जैसे क्या करना चाहिए माइंड डाइवर्ट करने के लिए, और अगर आप लोगों को नहीं पता चल रहा कि आप लोग बहुत टेंस्ड हो, स्ट्रेस्ड हो या फिर कुछ भी, तो आई एम गोइंग टू टेल यू कि आप राधा रानी का नाम लो और प्रेमानंद जी महाराज की वीडियोस देखो। जब आप देखना शुरू करोगे तो आप खुद इतना इतना हल्का फील करोगे ना कि इट्स लाइक कुछ है ही नहीं लाइफ में, मतलब सॉर्टेड है बिल्कुल एकदम, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ मैं ये व्लॉग यही एंड करती हूँ, थोड़ी सी चिटचिट थी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, बाय। Through the highways, till my shadow turns to sun rays.